हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। तो आज हम बनाने वाले हैं कुरकुरे चाट, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होती है। कुरकुरे होते वैसे ही बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं, अगर आप इनके एक बार चाट बना के खा लें तो यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगेंगे खाने में। आप हर बार इसी तरीके से खाना पसंद करेंगे। 2 मिनट में चाट बन के तैयार हो जाएगी, बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो हम यहाँ पे एक पैकेट कुरकुरे का ले लेते हैं और हम इसे पैकेट से निकाल के एक बोल में डाल लेंगे कुरकुरे को। तो देखिए, बोल में हमने यहाँ पे कुरकुरे डाल लिए हैं। अब हम यहाँ पे चाट बना लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो 2 चम्मच हम यहाँ पे बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे। टमाटर के पहले आप बीज निकाल लें, उसके बाद हम इन्हें काटेंगे। अब हम यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई प्याज डाल लेंगे। प्याज को आप बारीक बारीक काटें। 1 हमने हरी मिर्ची को बारीक काट लिया है, आप डाल लें। अगर बच्चे खा रहे हैं तो आप हरी मिर्ची ना डालें। 1/2 छोटी चम्मच हम यहाँ पे चाट मसाला डालेंगे। चाट बन रही है तो चाट मसाला तो डालना बहुत ज़रूरी है, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। 1 चुटकी हम यहाँ पर डाल लेंगे सफ़ेद नमक, और 1 चुटकी हमने यहाँ पर काला नमक भी डाल लिया है। उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी घर में जो आपके नमकीन रखी हुई है, भुजिया सेव नमकीन, वो डाल लें ऊपर से। और हमने नींबू ले लिया है यहाँ पर, 1/2 नींबू का रस हम निकाल लेंगे। बीज आप नींबू के ज़रूर निकाल लें, नहीं तो किसी छलनी की सहायता से छान के डालें। और थोड़ा सा हम यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल लेते हैं और सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, हमारी बहुत ही टेस्टी झटपट बनने वाली रेसिपी बन के, चाट रेसिपी बन के तैयार हो गई है। बहुत ही यम्मी लगती है खाने में, आप इसे ज़रूर बनाएं। देखिए, चम्मच से हम अच्छे से मिला लेते हैं, या इस तरीके से आप बोल में इस तरीके से टॉस करके मिला लें। तो चाट तो खाने में वैसे ही अच्छी लगती है और बहुत सारी चाट बनाई भी जाती है। एक बार आप कुरकुरे की चाट भी ज़रूर बना के देखिए, यकीन मानिए सबको बहुत पसंद आएगी झटपट से बनने वाली ये रेसिपी। तो ये रही मेरी आज की रेसिपी, आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपको अगली ही एक ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।